गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, एक्सरसाइज है 6.4, चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 6.4 का, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि क्या अगर तीन साइड आपको दे दी जाए तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, दो और एक और ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, तीन साइड दे रखी है। अगर आप इन साइड का यूज़ करके ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा इसलिए, मान लीजिए आपने एक साइड ड्रॉ कर ली 9 सेंटीमीटर की, आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये वाली 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, फिर आपने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क यहाँ से लगा दी, ऐसे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की लगा दी, ये थोड़ी सी और ले लेता हूँ क्योंकि 5 की मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली मैंने, फिर 3 सेंटीमीटर की आर्क ली। अगर 5 सेंटीमीटर की इतनी है यहाँ से इतनी, तो मैं 3 सेंटीमीटर की इतनी ले लेता हूँ यहाँ से, ऐसे आर्क लगेगी 3 सेंटीमीटर की। मतलब इसको अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये आपस में टच नहीं करेंगी, और जब तक ये आपस में जो आर्क मैंने खींची है जब तक ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। वो इसलिए है क्योंकि ये वाली जो साइड दे रखी है ना, ये 9 सेंटीमीटर की, ये इन दोनों की सम से ज़्यादा है, इन दोनों के सम से ज़्यादा है, इन दोनों दोनों का अगर आप सम करोगे तो 8 आएगा, और ये वाली साइड कितनी है, 9 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 4 ले लेते हैं, यहाँ पे आप 4 ले लेते हैं, तब 4 और 5 दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तब 9 है, तब दोनों इक्वल रहेंगी। मतलब अगर आप एक 4 सेंटीमीटर की आर्क, जैसे कि 5 सेंटीमीटर की मैंने ये लगा ली, ये 5 सेंटीमीटर की, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की, इसके बाद मैं क्या लगा रहा हूँ, अब जो मैं आर्क लगाऊंगा वो यहाँ से 3 की जगह मैं 4 कर दूंगा, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, तो यहाँ से जो टच करेगी ना, इस लाइन के ऊपर करेगी, इधर इधर जाके इस जगह पे टच करेगी आपस में जाके, क्योंकि इनकी लेंथ बराबर है। अब ये आपने जो लाइन खींच रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 9 सेंटीमीटर की है, और ये वाली जो आर्क लगाई है ये 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ से आर्क लगाई वो 4 सेंटीमीटर की है, तो 5 को और 4 को प्लस करोगे तो भी 9 आएगा, इसके बराबर आएगा, इसलिए ये इस लाइन के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेंगे, जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे वो वाले इसके ऊपर ही, इसलिए ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अब कंडीशन क्या होती है ट्रायंगल बनेगा, कि किन्हीं भी दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीन साइड आपको दे रखी हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आएगा। अगर किन्हीं भी दो साइड का सम आप तीसरी साइड से ज़्यादा आपको मिल जाए तो इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल आप बना सकते हैं, बन जाएगा ट्रायंगल। ये कंडीशन को ध्यान रखना आप, इसके हिसाब से ही आप सम करेंगे। आपकी बुक में भी इसने लिखा है कि आप ट्रायंगल तभी बना सकते हैं इफ़ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि अगर तीन साइड आपको दे रखी हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसमें जो साइड्स दे रखी हैं अब आप उन्हें बता सकते हैं कि उनमें ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि पहली दे रखी है 2 सेंटीमीटर की दे दी, एक 3 सेंटीमीटर की दे दी और एक 5 सेंटीमीटर की, ये तीन साइड दे रखी हैं। अब किन्हीं भी दो साइड का सम अगर आप प्लस करोगे, मान लीजिए आप इन दोनों को प्लस करोगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ज़्यादा हो गया इससे। अब आप कहेंगे सर ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों से ट्रायंगल बन जाएगा, अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे इन दोनों को तो फिर 5 के बराबर आएगा, इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल यहाँ पे तो इन दोनों को प्लस करने से तो ठीक है कि इससे ज़्यादा जा रहा है सर ट्रायंगल बन जाएगा, कहाँ से बन जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि इन दोनों साइड को अगर आप लोगे तो फिर 5 आ रहा है इसके बराबर है, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनसे बन से इसके ज़्यादा आ रहा है सर बन जाएगा, नहीं बनेगा, आप ट्राई करेंगे तो नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं भी दो साइड, कोई भी दो साइड अगर आप प्लस करोगे वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों को तो आपने प्लस कर लिया कि इससे ज़्यादा आ गया, ठीक है ये हो गया,
फाइव को और टू को प्लस करोगे तो थ्री से ज़्यादा आएगा, ये भी चलेगा, लेकिन टू और थ्री को प्लस करोगे तो फाइव आ रहा है ना, तो फाइव से ज़्यादा नहीं जा रहा, इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं भी दो साइड को, किन्हीं भी दो साइड को प्लस करोगे तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। वैसे आप थर्ड पार्ट भी कर लेके देंगे और सेकंड भी करके देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ जो इसने बना रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है, इसका नाम दे दिया इन्होंने पी क्यू आर, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ओ, बीच में कोई पॉइंट दे रखा है। ये कह रहा है ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी, मैं ओ पी, ओ को और पी को ज्वाइन कर देता हूँ, ओ पी, ठीक है, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर दिया, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, ग्रेटर देन पी क्यू। क्या कह रहा है, हमने ये बताना है कि ये है या नहीं है ऐसा, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, क्या इससे बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। देखो ये है पी क्यू ये वाली, और ये है ओ क्यू, ये कौन सी है, पी क्यू है, सॉरी मैंने इसको पी क्यू बोल दिया था, ये पी ओ है और ये ओ क्यू है, पी ओ ओ क्यू, और ये पी क्यू से बड़ी बता रखी है। ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये पॉसिबल है कि किन्हीं भी दो साइड को आप प्लस करोगे तो तीसरी साइड से ज़्यादा आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि तीसरी साइड से ज़्यादा तभी आएगा जब ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो तीसरी साइड से ज़्यादा आएगा। देखो मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर की होती और ये 3 सेंटीमीटर की होती और ये 6 सेंटीमीटर की होती तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता, क्योंकि 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, इससे कम आ गया, यहाँ तक कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इनको आप हटा दीजिए। ये जो पी ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, इन दोनों का सम करोगे तो पी क्यू से ज़्यादा आएगा। आगे दे रखा है ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, ग्रेटर देन क्यू आर, ओ क्यू, ओ क्यू देखो, ओ क्यू ये है, इसके बाद ओ आर है, तो हम ओ आर को भी ज्वाइन कर लेते हैं भाई, तो इन इन दोनों की बात करा, ओ आर हो गया और ओ क्यू हो गया, दोनों प्लस, ये किससे बड़ी है, क्यू आर से बड़ी है, क्यू आर से, ये भी सही है। यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तो किन्हीं भी दो साइड को प्लस कर दो, तीसरी साइड से बड़ा आएगा, श्योर है तीसरी साइड से बड़ा आएगा वो, तो यहाँ पर क्या है, ओ क्यू प्लस ओ आर है वो ग्रेटर देन क्यू आर है, क्यू आर से बड़ा है। आगे क्या लिखा है, ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी ये किससे बड़ा है, आर पी से बड़ा है, आर पी से, ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर ये, ओ आर ये, ओ पी ये, आर पी से बड़ा है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है तो ये भी सही है। आगे दे रखा है, ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है ना, इसके अंदर सब में यस यस आएगा, यस यस कर देना आप, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। आगे दिया ए एम इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है, उसकी मीडियन दे रखी है ए एम, ए एम ट्रायंगल की मीडियन, तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे इसने दिखा रखा है वैसे ही ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एम पॉइंट है जो बी सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ए है और ए को एम से ज्वाइन कर रखा है, ए को एम से ज्वाइन कर रखा है, मीडियन है, तो इसका मतलब जो बी एम और एम सी है वो दोनों इक्वल है, इसने दिखा भी रखा है कि बी एम और एम सी दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वल हैं क्योंकि जो ए एम है वो बी सी, वो इस ट्रायंगल की एक मीडियन है,
अगर मीडियन है तो इसका मतलब बी सी को बाइसेक्ट करेगी, दो भागों में बांटेगी, एम इसका मिड पॉइंट है। ये पूछ रहा है इज ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन टू ए एम, टू ए एम कंसिडर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी एम ए एम सी, ए बी एम ए एम सी। अब इसने पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है वो टू ए एम से ज़्यादा है, बड़ी है। अब देख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम अल दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इसने हिंट में दिया भी है आगे कि दो ट्रायंगल मान के चलो आप, ए बी एम ले लो एक, तो ए बी एम ये ले लेते हैं, और एक ट्रायंगल कह रहा है कौन सा लेना, ए एम सी लेना, ए एम सी, ये दो ट्रायंगल लेने। तो अगर आप ए बी एम की बात करोगे, ए बी एम की, ट्रायंगल ए बी एम यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, तो आप ए बी, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, इन दोनों को प्लस करोगे, ए बी को और बी एम को प्लस करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा ना इन दोनों का सम, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब मैंने दो साइड प्लस कर दी तो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तो ग्रेटर देन ए एम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इससे बड़ा आएगा ये, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है ये। फिर सेकेंड में इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी में भी मैं ऐसे ही करेंगे, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, ये किससे बड़ा आएगा, ए सी ये वाली साइड प्लस एम सी, ये तीसरी साइड है ए एम, इससे बड़ा आएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख दिया ए एम, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं एडिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको प्लस करेंगे ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड होगी, ए बी प्लस बी एम लिख दिया, यहाँ पे प्लस करेंगे ए सी प्लस एम सी, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, दोनों में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, यहाँ पे आएगा ए एम, राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड ही ऐड हो जाएगी, ए एम प्लस ए एम, दोनों में ए एम राइट हैंड साइड में, तो ए बी तो सेम लिख देते हैं भाई, ए बी। इसके बाद हो गया बी एम और एम सी, बी एम ये बी एम है और ये एम सी है, दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, बी सी, ए बी एम को एम सी को प्लस करोगे तो बी सी आ जाएगा। इसके बाद प्लस रह गया ए सी, ए सी यहाँ लिख दिया, ये ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, टू ए एम हो गया, ठीक है, ये था जो हमने प्रूव करना था, वो कह रहा था कि क्या ऐसा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए एम, ठीक है, ये प्रूव करना था हमने, दिखाना था भाई। फोर्थ सम देखो, अब ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं। फोर्थ में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए है वो ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, बड़ी है या नहीं वो हमने बताना है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेता हूँ, ये इसके डायगोनल दे रखे ए बी सी डी, ये कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप खुद कर लेना इसको, करना कैसे, जैसे यहाँ पे इसने ए सी दिया है तो ए सी तो देख लो ये रहा ए सी, ठीक है ए सी, तो आप ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ये वाला ले लो पहले,
दोनों को प्लस करोगे ए बी की और बी सी को, तो ए बी प्लस बी सी ऐसे प्लस करोगे ना, ए बी प्लस बी सी, इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली, तो ये किसके बराबर आएगी, ग्रेटर देन ए सी के बराबर आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन आएगी ए सी, ए सी से बड़ी है जिसको फर्स्ट मान लिया। उसके बाद फिर इस ऊपर वाले में भी चले जाओ, इसमें ऊपर वाले में भी जाओगे तो भी ए डी और वो आ जाएगी इसके अंदर, ए डी दो साइड आएगी ना, एक तो ये ए डी आ गई, दूसरी आ जाएगी डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये भी बड़ी किससे आएगी, ए सी से, इसको सेकंड लिख दियो, ठीक है। फिर आप इस डायगोनल को ले लो, इससे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी दो ट्रायंगल बना रहा है, एक इधर वाला बन गया, एक इधर वाला बन गया, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो इसमें आ जाएगा ए बी प्लस डी ए, ए बी प्लस डी ए, ये किससे बड़ा आएगा, बी डी से, ये थर्ड आ जाएगी। वैसे ही फिर इधर भी बन रहा है एक, तो इसमें भी आप क्या करोगे, डी सी प्लस सी बी, सी बी या बी सी, ये ग्रेटर देन आ जाएगी बी डी से, इसको फोर्थ लिख दियो, ठीक है। तो इक्वेशन आ गया आपके पास चार, चारों को प्लस कर दो, चारों को प्लस करोगे तो ए बी और ए बी, टू ए बी हो गया। इसके बाद बी सी प्लस बी सी, ये रहा टू बी सी हो गया। आगे क्या हो गया, ए डी प्लस ए डी, टू ए डी हो गया। और क्या बचा, डी सी प्लस डी सी, टू डी सी हो गया, टू डी सी, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। इधर आ गया ए सी प्लस ए सी, टू ए सी, जो राइट हैंड साइड में है वो ऐड हो जाएंगे, वैसे ही टू बी डी हो गया, ठीक है, टू ए सी ये हो गया, टू ए सी और टू बी डी हो गया। अब यहाँ से अगर आप टू कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा ए बी, बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी, ठीक है, इधर बचेगा ये। यहाँ पर भी अगर आप टू कॉमन लोगे तो ए सी प्लस बी डी बचेगा, कॉमन लेने के बाद टू दोनों तरफ से कट जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे टू कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे टू आएगा, इधर भी मैंने टू कॉमन ले लिया तो ये टू से टू है ना, ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो ये बचेगा जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब पाँचवा ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये आप खुद कर ट्राई करेंगे भाई इसको, इसमें भी क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, फिफ्थ आप खुद ट्राई करेंगे, सिक्स देख लेते हैं। द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन वट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे रखा है कि वो ट्राइंगल है, और ये कह रहा है कि उसकी दो साइड दे रखी है, एक साइड 15 सेंटीमीटर की दे रखी है और एक 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब आगे क्या कह रहा है, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, तीसरी साइड की जो लेंथ आएगी वो किन नंबर के बीच में आएगी, वो नंबर्स हमने बताने हैं कि वो किन के बीच में आ सकती है, ठीक है, किन किन के बीच, बिटवीन वट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब देखो तीसरी साइड की, ये तो पक्का है कि अगर आप इन दोनों को, एक तो जैसे 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, एक इसने 15 सेंटीमीटर की दे रखी है, हमने तो थर्ड साइड बतानी है ना, थर्ड साइड क्या हो सकती है, किन नंबर के बीच में आ सकती है, कौन कौन सी बन सकती है। अगर आप इन दोनों नंबर में से माइनस करोगे, जैसे 15 में से 12 आपने माइनस कर दिया तो 3 बचा, फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 15 को और 12 को प्लस करोगे, प्लस करने से क्या आएगा, 27, ठीक है, 27 आया। मान लीजिए जो तीसरी साइड आएगी ना, थर्ड साइड जो आएगी वो 3 से छोटी है, मान लीजिए कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर की। अब देखो अगर 12 को 3 को अगर आप प्लस करोगे, 12 को और 2 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और कंडीशन के अनुसार ट्रायंगल तभी बन सकता है जब किन्हीं भी दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से ज़्यादा हो, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से ये तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, 15 से छोटा आ रहा है सम करने से, तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए ना। अब मान लीजिए ये 2 लिया है, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, मैं प्लस करूँगा 12 को और 3 को तो कितना आएगा, 15, तभी इसके बराबर आ रहा है। कंडीशन के अनुसार क्या होता है कि तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए सम, तो इसका मतलब वो साइड है ना 3 तो नहीं हो सकती, 3 से बड़ी हो सकती है, 3 से बड़ी मान लीजिए अगर मैं 4 भी ले लूँ
तो मैंने उस साइड को हमने फोर ले लिया यहाँ पे, और 12 को और 4 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 16 है, तीसरी साइड से ज़्यादा आ गया। तो वो साइड कितनी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा हो। इसके बाद अब इन दोनों नंबर को मैं इन दोनों को प्लस करके देख लेता हूँ, इन दोनों को तो प्लस के लिए कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होने चाहिए, तो पॉसिबल है, बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आया, 27। इन दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है, 27। अब यहाँ पर जो साइड आएगी, जो साइड आएगी वहाँ पे, वो 27 से कम आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 27 आ रहा है। तो अगर ये 27 से ज़्यादा हो गया तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्योंकि सम है वो ज़्यादा होना चाहिए तीसरी साइड से, तो तीसरी साइड है वो 27 से कम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्या बना कि 27 से तो छोटी होनी चाहिए यहाँ पे जो साइड आएगी वो, और 3 से वो बड़ी होनी चाहिए, समझ गए आप, 3 से बड़ी होगी, 27 से छोटी होगी, मतलब वो साइड है उसका जो मेजर आएगा वो 3 और 27 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो सकता है, ठीक है, 3 और 27 इनमें से, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।